हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी का इंग्लिश का पोएम नंबर 4, लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री। ये बहुत ही वेल नोन पोएम है। और यहाँ पे जो पोएट होते हैं, कैसे उनको अपनी लाइफ जीनी है इनिसफ्री जाके। एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे उनको अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करना है एक छोटे बच्चे की तरह। और ये पूरी लिरिक्स के फॉर्म में ये पोएम लिखी हुई है, बहुत सिंपल वे लिखी हुई है नरेटर ने। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द इनिसफ्री। बोले मैं उठना चाहता हूँ, अभी मैं इनिसफ्री जाना चाहता हूँ। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ अ क्ले एंड द बैटल मेड। मैं वहाँ पे एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता हूँ जो पूरा क्ले से बना होता है, और उसके ऊपर ऐसे जो रूफ बनाए होते हैं मुझे वो बनाना है। 9 beans रो विल आई हैव देयर। 9 beans मतलब यहाँ पे वो खाने के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे 9 beans रो में लगाऊंगा, हाई फॉर द हनी बी। और मैं हनी कॉम का जो छट्टा होता है वो बनाऊंगा। एंड लीव अलोन इन देन बी लाउड ग्लैड। और मैं ये जो बी के शोर में है मैं अकेला रहना पसंद करूँगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर फॉर द पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। मैं वहाँ पे शांति से रहूँगा, धीरे धीरे बस वो पीस मैं महसूस करना चाहता हूँ। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ अ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। मैं सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो वेल होगी, वो जो ड्रिगू होगी, वाटर पेपर्स की जो बूंदें होंगी, वहाँ से लेके मैं रात के क्रिकेट का जो आवाज़ आती है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है क्रिकेट, उसकी आवाज़ आती है रात को, मैं वो बहुत सुनना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर डूबना चाहता हूँ। देर मिड नाइट्स ऑल द ग्लिमर्स नून द पर्पल ग्लो। जो रात होगी, जो आधी रात होगी, वो थोड़ी शाइनी होगी, और जो नून होगा उसका पर्पल ग्लो होगा। एंड द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और जो इवनिंग होगी, लिनेट्स मतलब यहाँ पे बर्ड के बारे में बताया गया है, उसकी फड़फड़ाती पाँखों को मैं देखना चाहता हूँ। आई विल राइज गो नाउ फॉर द ऑलवेज नाइट एंड डे। और मैं उठना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ जहाँ पे नाइट और डे मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। आई हियर अ लेक वाटर लिपिंग विद द लो साउंड बाई द सोर। नदी किनारे बैठ कर मैं झरने की आवाज़ को महसूस करना चाहता हूँ। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in a deep heart chord। और मैं जब रोडवे पे खड़ा होऊंगा या फिर पेमेंट जो ग्रे कलर की होगी, पेमेंट मतलब जो आजू बाजू जो दीवार बनाते हैं वहाँ पे खड़ा होऊंगा, तो मुझे सब डीपली यही सब चीज़ें सुननी है। आई हियर इट इन एन डीप हार्ट कोड। मुझे कहीं ना कहीं हार्ट में ये सब चीज़ें महसूस करनी है और महसूस होगी। ये लिखी है विलियम बटलर येट्स ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।